लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। यार लास्ट पॉइंट जो कि एक्चुअल में मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट अगर आपने कॉन्कर कर लिया तो आपको ना अच्छे कपड़ों की जरूरत है ना अच्छे स्टाइल की जरूरत है, मतलब एग्जैजरेट कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी पॉइंट है माइंडसेट। पार्टी जाने से पहले जो पूरा टाइम आप रेडी हो रहे हो, गाने सुनो पार्टी वाले, पार्टी प्लेलिस्ट जाके यूट्यूब पे सर्च करो और वो गाने अच्छे से सुनो और साथ साथ में गाओ। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मूड को लाइट करने के लिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं अगर डायरेक्ट काम करते करते पार्टी पे एकदम से पहुंच जाऊं, मैं पूरी रात बिल्कुल एंजॉय नहीं करता और बिल्कुल बोर होके दुखी होके वापस आता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग ही उस मोड में स्विच नहीं हुआ होता कि भाई पार्टी करनी है। उस चीज के लिए गाने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कूल जैसे वो इनी वीनी टाइप के गाने होते हैं वो सुन लो, बहुत बढ़िया होते हैं, आपका मूड लाइट हो जाता है और आपका पार्टी का मन हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पार्टी पे सेल्फ कॉन्शियस ना हो। अगर आप ऊपर वाली सारी जो मैंने टिप्स बताई हैं वो फॉलो कर रहे हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप कॉन्शियस होने की कोई जरूरत नहीं है, आप 100% 10 में से 9 लड़कों से बेटर लग रहे होगे। और ये एक स्पेशल पार्टी है, अच्छे से सोशलाइज करो लोगों से, दोस्त बनाओ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, लेकिन घर जाने की जल्दी मत करना। स्पेशल नाइट है, कुछ स्पेशल हो सकता है। इन जनरल मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्टी से आप 12-1 बजे निकल लिया करो, कुछ कूल नहीं होता, लेकिन जिस दिन स्पेशल डे है जैसे न्यू ईयर वगैरह है उस दिन तो लंबा रुका करो, क्या पता कुछ कूल हो जाए। और हाँ प्लीज स्पेशल पार्टीज में कभी भी लड़कियों की वजह से मत जाया करो। लड़कियों की वजह से तो आप नॉर्मल पार्टी में जा सकते हो, हर वीकेंड जाओगे हर क्लब में लड़कियां भरी हुई मिलती हैं, लेकिन अगर कोई स्पेशल पार्टी है न्यू ईयर वगैरह बर्थडे वगैरह, वहां पे जेन्युइनली खुद के लिए जाओ, खुद को एंजॉय करवाने जाओ, लड़कियों लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना स्पेशल पार्टीज में। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।